एक दिन विदुनो चपड़ा जी का फ़ोन आया कि तुम कहाँ हो मैंने कहा सर मैं कुछ काम में हूँ ऑफिस में तुम आते हो मैंने कहा सर थोड़ा गड़बड़ ये है कि वाइफ का बर्थ आज जो है हमारा एनिवर्सरी है हम दोनों कहीं जाने वाले हैं शाम को बोले तो यहीं आ जाए यहीं मनाएंगे जैसा विकास सर ने कहा कि वो बताते हैं कि ये करो yes, yes. मैंने सद्धा से कहा कि सद्धा एनिवर्सरी मनाने का इससे बड़ा और कोई मौका नहीं हो सकता विधि विनोज चोपड़ा खुद अपनी छत पे हमारा एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं सद्धा ने कहा मैं आ रही हूँ हम लोग ऊपर गए छत पे इनके लिफ्ट के माध्यम से फिर जीने से कुछ ऊपर चढ़े और जब तो हम ऊपर गए तो हमने देखा कि कुछ मोमबत्तियाँ लगी, लगी हुई हैं कुछ लाइट लगी हुई हैं टेबल कुर्सी रखी हुई है और लोग लगे हुए हैं लाने के लिए कुछ खाने के लिए तो मैंने कहा सर ये ये तैयारी किसके लिए हुँ? मुझे जब कुछ कुछ कर रहे हैं मैं को तुम्हारा वाइफ का तुम्हारा एनिवर्सरी में मनाना है यार और उस दिन उस दिन हम लोग बहुत देर बैठे मैं अनुराग शद्धा को तीनों को हाथ पकड़ के एकदम नीचे वाले रूम में ले गए सर का एक नीचे वाला रूम है एकदम जहाँ पर के कोई आ नहीं सकता सर की परमिशन के बिना वो हम तीनों को उन्होंने बोला कि देख भाई ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है ये कहानी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ पर मैं मूढ़ी आदमी हूँ मैं काम करते करते हो सकता है कि बहुत अच्छा मज़ा आ जाए और हो सकता है कि मुझे लगे यार फालतू टाइम खराब कर रहा हूँ तो अगर अच्छा लग गया तो मैं करूँगा और नहीं अच्छा लगा तो तेरे को जितना स्क्रिप्ट में काम किया सब वापस कर दूंगा ले जाना अपनी मैंने कहा यार इतना क्लियर आदमी कोई देखा ही नहीं आज तक फिर हम तीनों लोग ये बोले कि सर जो करना है करो क्योंकि हमको पता था इससे बड़ा जादूगर कोई है भी नहीं जो जादू थ्री डेट में हमने देखा था पीके में देखा था परिंदा में देखा था और जितनी भी सर की मूवीज़ हैं नाइन्टीन फोर्टी टू स्टोरी तब आई थी जब हम लोग मतलब प्यार करना जानते भी नहीं थे तो उस कहानी के साथ में जैसे विक्रांत ने कहा ऐसा न्याय किया सर ने इतना न्याय किया कभी कभी मुझे पता नहीं सर लगता है कि विक्रांत की और मेरी पर्सनलिटी सच में एक जैसी है कि बस तो थॉट थो, हमारा एक जैसे ही है अभी विक्रांत ने जो बोला ना कि डेमोक्रेटिक तरीका बाप रे मैं सोच भी नहीं सकता हमारे यहाँ प्रशासन में सिर्फ आदेश चलते हैं इनके यहाँ पे तो ऐसा होता था कि तू भी बैठ तू भी बैठ तू भी बैठ सब ऐसा डेमोक्रेटिक तरीका है इनके यहाँ काम करने का कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ टेलर दिखाने थे सबको बोला पेन लो कागज़ लो सब नंबर दो अपने मतलब हर एक आदमी की बात सुनते हैं और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि विद्यु विद्यु चौपड़ा जी ने मुझे श्रद्धा को अनुराग को हम तीनों को परिवार का हिस्सा बना लिया उसी दिन चार साल से साढ़े चार साल से बल्कि और उन्होंने ये किया कि हर चीज़ में हमको शामिल किया हर चीज़ में चाहे वो स्क्रिप्ट हो चाहे वो यहाँ तक के जो ऑडिशंस होते थे उनमें भी हमको शामिल किया यहाँ तक के कुछ भी होता था अच्छा जब भी भी कुछ भी उनके घर में उनके यहाँ पे कुछ भी हुआ वो आ जाओ बैठते हैं और इतना ज़्यादा हम लोग पिछले चार साल में पूरी प्रोसेस में जुड़े हुए बीच में करोना आया और जब करोना आया तो तुमको पता है पूरी दुनिया हिल गई थी और उस समय में हम लोग तो परेशान थे अपनी अपनी चीज़ों में और इनका फोन आता था अरे यार आज क्या सीन लिखा है यार मैंने मैंने कहा करोना यार अच्छा गलती से इन्होंने मुझे अपनी उम्र बता दी थी मैंने यार याद नहीं डर नहीं रहा है करोना से लिए। तो मैं अनुराग और सत्ता तीनों बात करते थे कि यार भाई ये करोना में तो अच्छा मुझे करोना होगा बीच में तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया मेरा एक फ्लैट है वहां चले जाओ तुम अकेले छोड़ दो सबको घर वालों को छोड़ दो वहां रहो मैंने कहा सर अकेले में तुम्हें ऐसी मर जाऊँगा डर के मारे फिर एक बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें मुझे लगा कि हम अंदर तक हिल गए थे सर एक बंदे से बहुत प्यार करते हैं सर का एक भाई है वीर जो सर ने डेडिकेट किया है मूवी को उनकी उस करोना के सेकेंड और उसके बाद के दौर में अचानक से स्वर्गवास हुआ और सर बहुत प्यार करते थे उससे और उस समय हमको ऐसा लगा कि बंदा टूटने वाला है और हमने मान लिया था कि ये प्रोजेक्ट कम से कम तीन चार साल पीछे जाएगा क्योंकि हमको पता था कि सर कितना प्यार करते हैं हमसे पर मैं सच में हेडसऑफ बोलता हूँ उस बंदे को मुझे लगता है कि दसवें या पंद्रह दिन इन्होंने फ़ोन किया कि यार सुनो वो वाला जो सीन था उसको काट दिया है मैंने बकवास कर था वो ऐसा कर रहा हूँ मैं पैसा कर रहा हूँ और बोलता है कि यार वो आदमी क्या है लोहे का बना है क्या है का बना है यार तो एक बेहतरीन व्यक्ति के हाथों में हमारा ये किताब था और जैसा कि सौरभ ने बोला कि ये सच में एक मनोज की कहानी थी ही नहीं और इसीलिए सर को इतना टच की कि यार हम जितने भी लोग हैं सबके माँ के साथ संबंध सबके बाप के साथ संबंध सबके प्रेम का के साथ संबंध हमारी जद्दोजहद हर आदमी संघर्ष कर रहा है ना दुनिया में और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि जिनके पास पैसा नहीं है उनको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है हर जगह संघर्ष करना पड़ रहा है मुझे याद है कि सर बार बार बोलते थे कि यार इस देश में संघर्ष ही तो मैन है संघर्ष तो दुनिया की चीज़ है इसको हमको ऊपर लेके आना है मैं बोलता था कि लेकिन इतने बड़े बड़े लोग मूवी बनाते हैं इतना सारा पैसा खर्च करते हैं बोले ये न्यू को तो दिखाना है मुझे कि एकदम साफ सुथरी बेहतरीन ऐसी कहानी पे मैं काम करना चाहता हूँ जो ऑनेस्टी को लेकर चल रही हो और मुझे बार बार बोलते थे भाई तू हमेशा ऑनेस्ट है ना हाँ फिल्म बन गई है हाँ मैं कहता सर आप बिल्कुल इसकी चिंता मत करो कि मेरे जीवन में मैंने मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने अपनी ओथ को अपने पीछे लटकाया हुआ है जब से सिलेक्शन से लेकर आज तक मैंने कभी भी एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें मुझे लगे कि मैंने अपने ओथ को अलग किया है हमारे लिए इससे ज़्यादा और खुशी तब हुई जब सर ने एक दिन बोला कि यार अनुराग ने कुछ वीडियो भेजे हैं ये कोई टीचर है तुम्हारा तुम्हारे साथ मैं तुमको पढ़ाया है बड़ा अच्छा बोलता है ज़रा उससे बात करवाओ एक दिन मैंने सर को फ़ोन किया कि सर दोनों चौपड़ा बात करना चाहते हैं सर ने कहा यार कर लूंगा बहुत बढ़िया बड़ा आदमी है वो तो फिर वो हुआ टाइमिंग का दिक्कत अरे मैंने कहा ये गुस्सा हो जाएंगे टाइम नहीं करेंगे फिर बाद में फिर मैंने एक बीच में कॉल करवाया वीडियो वो, वाला कॉन्फ्रेंस कॉल और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे ही कट करके दोनों आपस में बात करना शुरू कर दिया <laughs> <laughs> और उसके बाद विकास सर सब जुड़ गए तो मैं सदाम बहुत खुश थे कि हम तीनों सर के स्टूडेंट हैं हमने हमने वो दिन देखे हैं जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा तरुणा मैडम यहाँ हैं हमने वो दिन देखे हैं जब सर ने दस्ती शुरू की थी एकदम शुरू की थी और सर एक मुखर्जी नगर के एक छोटे से नीचे के तलहटी में सर पढ़ाते थे और वहाँ हम पढ़ते थे और वो तलहटी में सर मुझे लगता है स्टार्ट कर ही रहे थे अपना पढ़ाने का सिस्टम और साथ में ये भी दिक्कत थी कि सर के अटेंड भी बचे हुए थे देना है कि नहीं देना है सब चल रहा था और उस दौर में सर ने एक बहुत लंबी क्लास ली वो क्लास सर बड़ी ऐतिहासिक थी क्योंकि 11 सितंबर हाँ नाइन एलेवन हुआ था उस रात को मैं श्रद्धा और आ, क्लास में थे मुझे वापस जाना था क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया था दिल्ली में और वापस जाने के लिए मैं अनुराग पैक कर रहे थे पैकिंग कर रहे थे लेकिन रात भर की क्लास चलनी थी सुबह जाना था उस रात को मैंने तय किया था कि श्रद्धा को कुछ बोल के जाऊंगा या कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हो रही थी लेकिन सर ने रात भर की क्लास रखी और रात भर की क्लास में मैडम ने पहरा लगाया सारी लड़कियों को अंदर लगे गई बात बातें नहीं करनी थी किसी भी हालत में चाय भी अंदर मैडम ही पहुंचा रही थी तो वो सारी यादें थी सर के आने से बहुत ज़्यादा लाभ हुआ मुझे लगता है कि ये जो स्टेज है आज वो बड़ी बड़ी बेहतरीन स्टेज है ऐसे बड़ी स्टेज अब कभी नहीं मिलेगी लाइफ में बोलने के लिए मुझे